और प्रयोग हमने देखा है, क्योंकि यदि इस कांटे से कान को बीनते हैं तो हाइड्रोसिल होने की संभावना बहुत कम रहती है, और जिन्होंने कान नहीं बीनवाया और फिर हाइड्रोसिल हो गया, या कभी कभी किसी ने कान बीना है उसको भी हो जाता है पर बहुत कम होता है। तो जिनको हाइड्रोसिल की बीमारी है, यानी कि अंडकोश में पानी उतर जाता है, अंडकोश में शोथ होता है, यह बीमारी प्रायः हमने देखा कि जहां पर कीचड़ वगैरह ज्यादा रहता है उन स्थानों पर भी यह हाइड्रोसिल, या देश में कहीं पर भी किसी को भी हो सकता है। तो इसको आधा काट करके उसको हल्का गर्म कर करके वह हाइड्रोसिल वाली जगह पर रख करके फिर लंगोटी बांध लें, उससे भी हाइड्रोसिल की बीमारी से भी बच सकते हैं। तो हाइड्रोसिल के लिए, सूजन के लिए, शोथ के लिए, मोच के लिए, आँखों के लिए, और जैसे मैंने बताया कान को छेदने के लिए, यह बहुत ही उपकारी और बहुत ही लाभकारी है। दूसरा इसका प्रयोग, इसकी आकृति भी आपने देखा होगा, कुछ कुछ हाथी के कान जैसा भी लगता है देखने में, नाक की फणी जैसा तो लगता ही है। इसको गरम करके गरम गरम थोड़ा सा कांटे हटा करके थोड़ा गरम करके निचोड़ लें। निचोड़ करके यदि इसके रस को दो दो बूंद कान में डालें तो जो भयानक पश और मवाद बन रहा हो और भयानक रूप से यदि कान के अंदर में दर्द हो उस स्थिति में इसका रस उपकारी है, पर ज्यादा रस नहीं डालना है, मात्र दो दो बूंद आप कान में डाल सकते हैं। और यह पित्त शामक भी है, ज्वर नाशक भी है। जैसे आप देख रहे हैं यह जो फूल है, इसमें से जैसे ये फूल निकल रहा है तो ये नीचे का जो पोर्शन है बाद में थोड़ा और बड़ा हो जाता है, फिर पकने लगता है, पकने के बाद में वह फल जो है वो खाने में स्वादिष्ट भी होता है, मीठा होता है, फलों को सेवन भी किया जाता है। उसको यदि गर्म कर करके उबाल करके उसको सेक करके खाया जाए तो खांसी के लिए भी बहुत लाभकारी है। तो खांसी में इसके जो फल है, इसका आप अस्थमा के लिए भी, हमने देखा कि इसके जो फल हैं इसको सुखा करके फिर टुकड़े करके रखें, यदि इसका काढ़ा बना करके पिया जाए तो ये आपके खांसी के लिए, अस्थमा के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। और इसका जो प्रयोग है, अभी हमने ज़्यादा प्रयोग किया नहीं है, परंतु आपने देखा होगा इसके कांटे वगैरह को देख करके अभी लोगों ने इसका प्रयोग कैंसर में भी किया है। तो कैंसर होने के बाद में कितना लाभ ये करता है, यह अनुसंधान का विषय है। पुनरपि कैंसर को रोकने के लिए इसके रस को यदि आप ज़्यादा नहीं 2-3-5 ग्राम तक भी यदि आप रस पीते हैं तो उसके लिए यह सहयोगी हो सकता है।